मेरे दो दोस्त गए हैं बिग बॉस के घर में कि मैं घर का वो बेटा हूँ जहाँ एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बहू है। पर्सनली मेरा जो फेवरेट है वो अब्दू है। अगर मैं शालीन और गौतम के बीच में बोलूँ तो दोनों अपनी तरीके से अपना अपना गेम अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं। मुझे गौतम का गेम ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर मैं शालीन, टीना और सुम्बुल की बात करूँ तो हाँ, शालीन और टीना के बीच एक केमिस्ट्री है। और हाय, दिस इज आकांक्षा जुनेजा फ्रॉम योर फेवरेट टेलीविजन शोज एंड यू आर वॉचिंग मी विद टेलीचस। Hi Akansha, welcome back to Tele Chaska. Okay, last time we have seen you in Satya, लेकिन उसके बाद अब Big Boss में जाने की काफी चर्चाएं हो रही थी कि आकांक्षा जल्दी Big Boss ज्वाइन करने वाली है। So क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं नहीं, मेरे दो दोस्त गए हैं बिग बॉस के घर में मेरी तरफ से, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं प्रे भी करती हूँ कि मे द बेस्ट वन विंस। ओके, गौतम की बात करें तो साथियों में आपके पोस्टर रह चुके हैं, सो जैसे कि आपने बताया कि दो दो दोस्त भी गए हैं, सो दोनों में से ज़्यादा सपोर्ट आपका किसकी तरफ जाता है? देखिए, मैं दोनों में से किसको सपोर्ट करूं, ये मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि मैं घर का वो बेटा हूं जहां एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बहू है, मतलब मेरी बीवी है, तो मैं दोनों में से किसी का भी साइड नहीं ले सकती। पर मैं यही चाहूँगी कि जब शुरुआत में दोनों अंदर गए थे तो दोनों दोस्त थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी ये देखकर कि चलो मेरे दोनों दोस्त आपस में भी दोस्त बन गए हैं। पर फिर धीरे धीरे दोनों में थोड़ी थोड़ी नोकझोंक शुरू हो गई, तो मैं भी वही घर के बेटे वाली सिचुएशन में आ गई, तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि दोनों में से किसका सपोर्ट करूं। मेरा सपोर्ट दोनों के लिए है क्योंकि दोनों ही मेरे दोस्त हैं। मे द डिज़र्विंग वन विंस। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों सबका दिल बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। इसके अलावा रियलिटी शो में गए हैं, सो रियल सबसे ज़्यादा कौन है वहाँ पर? लाइक अगर आपको कौन लगता है, नॉट ओनली शालीन एंड गौतम बट पूरे शो में अगर मैं पूछूँ तो रियल कौन सबसे ज़्यादा लगता है? अगर मैं पूरे शो की बात करूं तो मेरा जो पर्सनली मेरा जो फेवरेट है वो अब्दू है। वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही रियल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और वो सबको अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनके उनके जो इनोसेंस है और जितना इंटरेक्शन उनका शो में है, जिस तरीके से वो टास्क खेल रहे हैं और सबसे मिलजुल कर चल रहे हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट अब्दू है। अगर मैं शालीन और गौतम के बीच में बोलूं तो दोनों अपनी तरीके से अपना अपना गेम अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं। सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को ये पसंद आता है, किसी को वो पसंद आता है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं और मुझे मेरे दोनों ही दोस्त बहुत प्यारे हैं। बट स्टिल आई थिंक एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे गौतम का गेम ज़्यादा पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं घर में एक लव ट्रायंगल बनते भी देखा जा रहा है, एक शालीन टीना और सुम्बुल के बीच में बीते दिनों में देखा जा रहा था, फिर दूसरी तरफ सौंदर्य और गौतम का भी देखा जा रहा है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? अगर मैं शालीन, टीना और सुम्बुल की बात करूँ तो हाँ, शालीन और टीना के बीच एक केमिस्ट्री है और सुम्बुल लव ट्रायंगल में नहीं है। सुम्बुल एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड इंसान है और वो पहली बार अपने परिवार से दूर गई है, तो वो वहाँ पर अगर शालीन में अपने परिवार का कोई मेंबर देख रही है, वो मेंबर सिर्फ पति नहीं होता है, वो भाई भी होता है, देवर भी होता है, दोस्त भी होता है और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। अगर उसको अच्छा लग रहा है शालीन से बात करने में तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई लव ट्रायंगल है। और जहाँ तक मैं गौतम और टीना की बात करूँ, अगर गौतम और सौंदर्य की बात अगर मैं करूँ, तो उन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है वो उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री है। और मैं यही चाहूँगी कि जैसे गौतम हमेशा से चाहता था उसको उसका सोलमेट वहाँ पर मिल जाए, जैसे कि बिग बॉस ने बहुत लोगों को उनका सोलमेट दिया है जो आज भी साथ में है, तो उन दोनों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये केमिस्ट्री बहुत आगे तक जाएगी। ओके,
साथ कोई मस्ती मजाक सेट पर हम लोग जब साथ में काम कर रहे थे हमने बहुत सारी मस्ती की साथ में, हम लोग हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, बहुत सारी पर्सनल बातें भी करते थे, प्रोफेशनल बातें भी करते थे, बहुत सारे प्रैंक्स भी करते थे हम सेट पे। जैसे कि एक प्रैंक हम दोनों ने मिलके स्नेहा के साथ किया था वैसे तो काफ़ी सारे प्रैंक किए थे हम लोग। सुबह सुबह शूट पर पहुँचे और कॉल टाइम थोड़ा डीले हो गया था, तो हमसे पहले स्नेहा पहुंची हुई थी एंड हम अंदर जाने की बजाय हम बाहर जाने लगे एंड शी वॉज लाइक तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो हमने बोला शूट का पैकअप हो गया तो शी एक्चुअली थॉट कि शूट का पैकअप हो गया एंड शी गॉट पिस्ड एंड शी वॉज अबाउट टू यू नो गो टू द टीम एंड यू नो टॉक टू देम एंड ऑल दैट एंड फिर देन वी स्टार्टेड लाफिंग कि नहीं बाबा हम लोग भी अभी आए हैं, हम जा नहीं रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रैंक्स हम लोग डेली सेट पे खेलते थे। इतनी जल्दी डिज़र्व कौन करता है ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल व्यू जानना चाहें तो मैं ये बोलूँगी कि मैं अब्दू को कैप्टेंसी में देखना पसंद करूँगी, बिकॉज़ उनका क्यूट स्वीट और प्यारा अवतार तो हम सब देख ही रहे हैं, पर उनका लीडरशिप क्वालिटीज़ देखना मैं पसंद करूँगी। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं शालीन को बहुत सालों से जानती हूँ तो आई नो वो अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, अपने वर्कआउट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, इसीलिए उसने आज जो भी एज में है और इतना वर्क प्रेशर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो जब हमें बहुत सालों से किसी चीज़ की आदत होती है और वो चीज़ अचानक से हमें नहीं मिलती है तो हर इंसान का अलग अलग तरीके का रिएक्शन निकलता है, जो कुछ लोगों की नज़र में सही होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोगों की नज़र में गलत होता है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वी शुड जस्ट लेट इट गो। अगर उसकी मैं बात कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि वही जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अचानक से जब हम अपनी हैबिट से दूर जाते हैं ना तो बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन निकलते हैं, हमारा मतलब कुछ और होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हम चाहते कुछ और हैं, पर हम बेफिजूल की बात पे या ना चाहने वाली बात पे रिएक्ट कर जाते हैं जो शायद दूसरों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई सेंस नहीं होता है, पर हमें अंदर से पता होता है कि हमारा रिएक्शन किस चीज़ को लेकर है। तो आई थिंक वो उसी तरह की कोई चीज़ थी एंड धीरे धीरे जब उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे, उस घर के हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी जैसे अगर हम स्कूल में भी थे तो हम अगर एक स्कूल से दूसरा स्कूल शिफ्ट करते थे तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन स्ट्रेंजर्स के बीच में रहना और सबको समझना और अपने आप को सबको समझाना, उन चीज़ों में टाइम लगता है। तो यहाँ भी बिग बॉस हाउस में अचानक से स्ट्रेंजर्स हमारे साथ आके रहने लगते हैं 24 घंटे, जहाँ हम अपनी फैमिली से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होते हैं, तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना और ढालना और ख़ुद को समझाना और अपने आप को समझना और अपने आप को दूसरों को बताना और जताना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक बस वही टाइम लग रहा है उन लोगों को। इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच, जिसकी डेस्टिनी में जो होता है उसको वो मिलता है, और अगर मेरी किस्मत में होगा और टाइम सही होगा तो हो सकता है आप मुझे बड़े घर में देखें।